हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर हिसार की नारनौंद विधानसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी रामकुमार गौतम का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में रामकुमार गौतम ने अपने क्षेत्र के कई गांवों का तूफानी दौरा किया और जनसभाओं को संबोधित किया। राजपुरा पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूलमालाएं पहनाकर रामकुमार गौतम का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने जनता से वादा करते हुए कहा कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो युवाओं को नौकरी और बुजुर्गों को 5100 रुपए महीने बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी के प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 5 सालों में उन्होंने हल्के का विकास नहीं करवाया बल्कि अपना खुद का विकास किया है। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद के पैदल मार्च पर भी चुटकी ली। लोगों की समस्याएं हैं, सबका समाधान करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। हमारा तो घोषणा पत्र रोहतक में घोषणा कर दी थी, जितनी घोषणाएं थी और के कसर रहेगी। रोहतक की इतनी बड़ी रैली में सारी घोषणाएं कर दी थी, डारे में भी वही करी थी और फिर रिपीट कर दी थी। अरे सब नवीन जैन के बेचारे के प्रचड़ी क्या आई थी जब वो फरीदाबाद से लड़ा था, पता है तेना। फिर उसके मार्च से के खाक फर्क पड़ेगा। कप्तान साहब का जो विकास हुआ है वो तो कप्तान साहब ने पता है उसने किसका विकास कराया है।